जानकी तो होश में तो है, तू क्या बोले जा रही है? यार जी तो होश आया है हमें, इतने टाइम तक तो बेहोश थे हम। जानकी जानकी बस कर, रहने दे, छोड़ दे। कैसे छोड़ दे भाभी, क्या क्या छोड़ दे? अपने पति को छोड़ दे जिसने मुझे छोड़ रखा है। और इनको याद दिलाना जरूरी है, इन सबको याद दिलाना जरूरी है कि इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया। याद है ना आपको कैसे झूठ बोलकर धोखा देकर फरेब करके हमारी शादी फादर से कराई अपने? याद है ना आपको? धोखे धड़ी की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, सारी गलती आपकी है। और जब हमने कहा हमें ये शादी मंजूर नहीं है तो हमारे परिवार की धमकी, परिवार को हानि पहुंचाएंगे, उन्हें हर्ट करेंगे। बात है ना राम शास्त्री जी? जानकी जानती है ना तो किससे बात कर रही है? बहुत अच्छे से जानते हैं मम्मी जी, किससे बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। पैसे के लिए किसी कभी दिल दुखा देंगे यार? मुझे लगा था आप मुझसे प्यार। I was wrong. आपने मुझे गलत साबित कर दिया। क्या 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 सोचा मैंने आपके बारे में? गलत निकला। पर अभी आप लोग हमारी बात सुनिए, हमने डिसाइड कर लिया है हम सिर्फ पुलिस को क्यों बताएंगे, हम हर्षी को भी बताएंगे कि वो पागल थी। और वो जो सब कुछ भूल गए ना, सब याद दिलाएंगे उनको, बताएंगे हमारी उनकी शादी हुई थी, हम उनकी जानकी। पर जहां तक हमें याद है, अगर हमने ये बात बताई तो डॉक्टर ने बोला था कि दिमाग पर असर पड़ेगा तो शायद दोबारा बीमार पड़ जाएंगे, ऐसा ही कुछ था ना भाभी? तो ठीक है, डिसाइड कर लीजिए क्या करना है, पुलिस को बुलाना है नहीं बुलाना है, क्या करना है? तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। सब झूठ रही है, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूंगा अब। मैं क्या करूंगा, मेरे हाथ में नहीं है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं मैं क्या करूंगा। मेरे दिल, मेरी आत्मा, मेरी सच्चाई को ठेस पहुंची है, खुद पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा हूं। इस पर भरोसा करो, खुद से ज्यादा भरोसा किया था मैंने आप पर। राजेश पुलिस को बुलाओ। बहुत सही बोला आपने, पुलिस को बुलाइए, बुलाइए, फोन लगाइए, हमें दीजिए, हम बुलाते हैं। और पुलिस को ये भी बताएंगे कि किस तरीके से अपने छोटे भाई को इलेक्ट्रिक शॉक दिया था इस इंसान ने और हमारे इज्जत पर हाथ डाला था, ये भी नहीं भूल सकते। लगाइए फोन, हमें मिला कर दे दीजिए ना। क्या हुआ? वो शौक है ना सबको डरा कर रखने का। अब लगाइए फोन। ये लड़की है या बवाल? इसने तो एक झटके में पूरा पासा पलट दिया, इसका तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। श्वेता, अपने आप को ना संभालो, रिलैक्स, काम डाउन, थोड़ा वक्त दो चीजों को। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, सब कैसे ठीक होगा हर्ष? जो तुम सोच रही हो गलत नहीं सोच रही हो, बस सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक होना ही होगा। समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा श्वेता कि कैसे सब कुछ ठीक होगा। बेबी श्वेता इधर आओ, गो अप एंड रेस्ट, आराम से तुम बैठो, रेस्ट करो, थोड़ा मुझे भी सोचने दो कि मुझे कैसे करना है। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। श्वेता
तुम हमें धमकी दे रही हो, राम शास्त्री को धमकी दे रही हो? अरे गला दबा देंगे तुम्हारा। राम मर जाएगी। शांत हो जाइए। रुक क्यों गए पापा जी? मारी ना हमें, पर हमारे मरने की बात हमारी लाश का क्या करेंगे? कहाँ छुपाएंगे? आपको क्या लगता है हम ऐसे यहाँ गए हैं रंगीली जी को अपने परिवार को पता कराए कि इस घर में हमारी जी को खतरा है? अगर मैं कुछ भी हो गया ना पापा जी, एक खरोच तक आ गई ना, सारा इल्जाम आप सब पर लगेगा। और पापा जी, बहू को टॉर्चर करने का केस कितना बड़ा बनता है पता है ना आपको? जानकी, तू धमकी दे रही है हमें? नहीं दादी, हम आपको या हर किसी को जो हमें इस घर में प्यार दे रहा है या जिसने भी हमें प्यार दिया उनको धमकी नहीं दे रहे। हम तो सिर्फ उन लोगों को धमकी दे रहे हैं जिसने आज तक तकलीफ दी है, हमें टॉर्चर किया है। जानकी, हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि तू ये कर रही है। तू जिसे हमने पेटी मारा, देख तेरी वजह से इस घर में क्या हो रहा है। जानकी, हमें हम जानते हैं हमने आपका विश्वास तोड़ा है, और ऐसे कई लोग हैं इस घर में जिनके इरादे हमने पूरे नहीं होने दिए। ये किन लोगों की बात कर रही है? कहीं से कुछ पता तो नहीं चल गया? जानकी बस, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो खुद अपने आप इस घर से अभी चली जाओ। जाओ नहीं तो क्या कर लेंगे आप? हाँ बोलिए ना, हाथ उठाएंगे? मारिए, मारिए ना। हमें भी पता है हाथ उठाने का बहुत शौक है आपको। एक खरोच भी आई ना हम पर, आप पर ऐसा केस बनेगा जिंदगी भर जेल में चक्की पीसेंगे। बहुत बढ़िया। यही कसर तो बाकी थी, वो भी कर दी पूरी आपने। मेरे परिवार को धमकी दे रही हैं आप? उस परिवार को धमकी दे रही हैं जिन्होंने आपको बेटी समान समझा। ठीक है, बात मैं बता देता हूं, आपकी ये सूखी धमकियों से ना कोई डरने वाला नहीं है यहां पर। इनको इनकी धमकी का जवाब देना है। पुलिस को बुलाइए, डैड पुलिस को बुलाइए, आपको आपकी धमकी का जवाब मिलेगा। ठीक है, बुलाइए ना पुलिस। डैड बुलाइए पुलिस को। आप लोग खड़े क्यों हैं? बुलाइए ना पुलिस को। सही तो कह रहे हैं ऋषि, बुलाइए ना पुलिस को। वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम बुलाओ ना पुलिस को। पुलिस को बुलाना है ना, बहुत शौक है तुम्हें पुलिस को बुलाने का। बुलाओ। यही बोला है ऋषि, कुछ और नहीं बोला। जाने दो हर्ष, पुलिस आएगी तो बदनामी होगी। हाँ बेटा, तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं, ये घर का मसला है। अगर पुलिस में बात गई तो फिर पूरे शहर में फैल जाएगी, बदनामी होगी, सब लोग बातें करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। इससे अच्छा है कि ये घर का मामला घर में ही हम हल निकालेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप लोग, कैसी बात कर रहे हैं आप? उनकी धमकी का जवाब देना है हमको? धमकी दे रही है वो हमें। हर्ष, बात को समझो बेटा। हर्ष, तुम्हारी माँ सही कह रही है, पुलिस आएगी तो प्रॉब्लम्स ही होगी। इस प्रॉब्लम का सलूशन हमें मिलकर निकालना होगा। क्यों नहीं बुलाया पुलिस को डैड? हर्ष, हम समझते हैं तुम क्या कह रहे हो। जानते नहीं हो उस लड़की को, जिस तरह का फ्रॉड उस लड़की ने हमारे साथ किया है, वो कुछ भी कर सकती है, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला सकती है वो लड़की। उस लड़की से पीछा छुड़ाना आसान नहीं होगा। तो क्या करें डैड, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें, डर जाएं उससे, उसकी बातें माने? I don't care. वो इस घर में नहीं रहेगी। हर्ष, हर्ष, हर्ष बेटा, हम जानते हैं ये जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से तुम्हें धक्का लगा है, लेकिन थोड़ा शांति से काम लो। हाँ हर्ष बेटा, लेकिन अभी थोड़ा शांति से सोच बेटा, क्योंकि कभी कभी जो दिखाई देता है ना, वैसा वैसा होता नहीं है बेटा। सहन करूँ फिर? जो उसने किया ये बर्दाश्त करना पड़ेगा हमें।
आप मेरी जगह आके सोचिए कैसा लगेगा आपको। मेरे परिवार को धोखा दिया है, हम सबको धोखा दिया है इसने, धमकी दे रही है वो। तुझे कितना मनाया था हमने, कितना बताया था उसकी असलियत, लेकिन तूने आज तक मानी नहीं। कम से कम अब तो हमारी बात पे भरोसा कर। आपकी जो आप बोल रहे हो वो करो। तुम्हारी लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारा जो बिजनेस है वो क्राइसिस से गुजर रहा है। पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, फिर तुम कोमा में चले गए, कोमा से बाहर आए तो तुम्हारे पर जानलेवा हमला हुआ है। इस फ्रॉड के बारे में भी मीडिया को पता चल गया ना, तो हमारा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अगर उस लड़की ने मीडिया को यह भी बता दिया कि तुमने उसे बढ़ावा दिया है, फिर हमें पता नहीं क्या होगा। डैड यू नॉट रॉन्ग, आप जो बोल रहे हैं वो सही है, एग्री, पर मैं अब उसकी शक्ल नहीं देख सकता। भरोसा रखो हम पर, हम सब ठीक कर देंगे। हर्ष, अपने लॉयर से बात करेंगे, वो लोग हमें रास्ता बताएंगे उस लड़की को यहां से कैसे निकालना है। मतलब भाभी मुझे एक बात बता, इतना सारा गुस्सा स्टोर कहां किया हुआ था? मुझे तो बहुत मजा आया, एक मिनट में सबकी बोलती बंद कर दी आपने। हाँ तो क्या करते हैं, शिखर सच का है ना, कभी कभी ये जरूरी होता है, गुस्सा निकालना, धमकियां देना। हाँ पर जायज बात पर, ऐसे नहीं। तुम भी ट्राई करना भाभी, आप तो जरूर ट्राई करना। जानकी बेटा, तुमने जो कुछ भी आज किया ना, ठीक नहीं किया। हम जानते हैं कि हर्ष और श्वेता की शादी से तू खुश नहीं है, लेकिन ये सब करके तूने हर्ष को कौन सी खुशी दी थी? उल्टा इन हरकतों से तो उसकी नजरों से गिर गई, उसको तो जरा सी भी कीमत नहीं तेरे सिंदूर की। बेटा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे लिए तेरी और हर्ष की जोड़ी शिव पार्वती के समान है, मैं कभी तुझे उससे अलग नहीं देख सकती, लेकिन आज उसे पाने के लिए जो रास्ता तूने अपनाया है ना, वो गलत है। हम जानते हैं दादी, आप हमसे बहुत दुखी हैं, पर हमारे पास हमें नहीं लगता है कि हमने कोई गलत रास्ता चुना है। हमें लगता है हमने बिल्कुल सही रास्ता चुना है। अब तक हम रामायण के हिसाब से चल रहे थे, अब हम महाभारत के हिसाब से चलेंगे। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी जानकी, बिल्कुल नहीं थी। हमें माफ कर दीजिए दादी, पर अब हमने सोच लिया है, हमें जो सही लगता है, हमारे दिल को जो सही लगता है, हम अब वही करेंगे, क्योंकि हम हमेशा से आप लोग के हिसाब से ये चीजें करते आ रहे हैं, पर अब वही करेंगे जो हमें ठीक लगेगा। आपसे बात करनी है, मेरे साथ आइए। मैंने कहा आपसे बात करनी है, मेरे साथ आइए। जवाब चाहिए मुझे, मुझे धोखा क्यों दिया? नहीं? तुम्हें पता है ना तुमने क्या किया है? नफरत है मुझे, नफरत तुमसे, नफरत। कागज के कुछ टुकड़ों के लिए तुमने जो हरकत की है ना, जो धोखा तुमने मुझे दिया है ना, आई स्वेर काबिले तारीफ। मैं सुनना चाह रहा हूं तुम्हें, मुझे बता मुझे धोखा क्यों दिया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कर सकते हो।
मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब चाहिए। हम तो गिरे हुए ना हर्ष, तो गिरे हुए इंसान से और आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए की हमने ये हरकत। कितने पैसे चाहिए थे तुमको? कितने पैसे चाहिए थे? मुझे एक बार बोल सकती थी ना, इतने कितने पैसे चाहिए थे तुमको? मुझे मांग लिया होता ना पैसे, हर भी देता मैं पैसे तुमको। क्यों किया तुमने ऐसा? मेरी गलती है, श्वेता ने मुझे बोला था। सही कहा ना उसने मुझे कि तुम यहां पर आई हो पैसों के लिए? मैंने उसकी बात नहीं मानी, मैंने तुम्हारी बात को सही किया, मैंने तुम्हारी बात को सच माना, उसकी बात को झूठ माना। काश मैंने उस दिन अगर उसकी बात सुन ली होती ना, तो आज ये दिन देखने को नहीं मरता। अपने आप से ज्यादा विश्वास मैंने तुम पर किया जानकी, सब कुछ भूल गया मैं तुम्हारे लिए। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूं, फॉर गॉड सेक यहां से जाओ। मैं अपने ड्राइवर को बोल रहा हूं अभी अपना बैग पैक करो, वो तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़कर आएगा। आउट। ड्राइवर को मत बोलिए ना, हमें घर से बाहर कर दीजिए, घर से बाहर फेंक दीजिए हमें। आप ये अच्छी तरह जानते हैं, आप हमें इस घर से बाहर नहीं निकाल सकते हर्षी। कानूनी रूप से हम आपकी पत्नी। पत्नी माय फट, पत्नी माय फट। तो निकाल कर दिखाइए हमें। तुमको लगता कि ये मजाक चल रहा है क्या? ये मंगल सूत्र, ये सिंदूर आपके नाम पे है हर्षी, और आप मानी या मत मानी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम आपकी पत्नी। तुम्हारे चिल्लाने से तुम मेरी पत्नी नहीं बन जाती, मैं मानूंगा, और मैं किसी भी सूरत हाल में नहीं मानूंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। ये धोखेबाजी से मैं मानूं कि तुम मेरी पत्नी हो। आउट। चली जाओ यहां से प्लीज। मेरी पत्नी नहीं हो, तुम मेरे लिए सिर्फ एक इंसान हो, एक धोखेबाज इंसान हो। एक धोखेबाज इंसान के साथ जो सुलूक होता है, मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा। आउट। सॉरी भाभी, सो सॉरी, आप हमसे नाराज नहीं है ना भाभी? हमने आपका सपोर्ट खो दिया, हमने आपको खो दिया, ये सब करने के बाद आप हमसे नाराज नहीं है ना? प्लीज भाभी बोलिए, आप हमसे नाराज नहीं है? भाभी हम कोई ब्लैकमेलर नहीं है, वो सब कुछ हमने किया ना, सिर्फ मजबूरी में भाभी। नहीं हुई जानकी कि तुम कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकती। जब पता था मुझे, पर सच पूछो तो एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा ये जो कुछ भी तुम कर रही हो ये सब ठीक नहीं है, मैं डर गई थी। पर अब समझ आ गया जानकी, तुम बहुत बड़ा काम कर रही हो, तुम बहुत बहादुर हो, मगर अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा साथ नहीं दे पा रही हो। मैं तुम्हारे साथ अगर खड़ी भी हो जाऊंगी ना, तो मेरी मुसीबत बन जाएगी। हम आपकी सिचुएशन अच्छी से समझते हैं भाभी, और आज तक आपने हमारा इतना साथ दिया, इतना सपोर्ट किया, वो क्या कम है? हमें तो पता नहीं हम आपको थैंक यू कैसे बोले, थैंक यू शब्द छोटा है आपके सामने भाभी। और हमें भी बस एक ही बात का डर है कि कहीं मम्मी जी या राजेश भैया ना देखे, वरना आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। हम आपको पता है भाभी, हमने जो कुछ भी किया हमें बुरा लगा, क्योंकि हमने दादी के साथ बहुत रूडली बात की, उनको बुरा लगा होगा ना। जानकी कोई बात नहीं, तुम जिस दुविधा में हो मैं समझ सकती हूँ, पर तुम हिम्मत मत हारना। हाँ
आप ही बाप जाएगी इसकी पहले की कोई आपको देख ले। तो मेरी शेरनी यहां अपनी बांध में बैठी है ना मेरा बच्चा ना। रोने से कुछ नहीं होगा जानकी, तुझे ये लड़ाई लड़नी होगी। तेरे प्यार और सुहाग की लड़ाई है ये, एक शेरनी की तरह अपने शिकार पर हमला कर जानकी, और इस लड़ाई को जीत ले। जीतना ही होगा जानकी, तुम ये लड़ाई तुमको ही लड़ना है जानकी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे रंगीले जी, हम हार नहीं मान सकते। हम आपकी मेहनत को बर्बाद नहीं होने देंगे। अपने सुहाग की रक्षा करने की कसम खाई है हमने, फिर उसके लिए कितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़े हम करेंगे। इस कुरुक्षेत्र में एक शेरनी की तरह डटे रहेंगे हम। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।